सो दिस इज बोट एयरपॉड्स एटम 83 बोट के तरफ से एक नया एयरपॉड्स जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 1250 के आसपास एंड काफी सारे फीचर्स के साथ एक बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 50 आवर्स के प्लेबैक टाइम देता है ये, जो कि काफी बड़ी बात है इस बजट प्राइस रेंज के अंदर। सो आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई पैकेट कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा पैकेट आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर कुछ फीचर्स भी मेंशन किया हुआ है, जस्ट लाइक क्वाड माइक है यहाँ पर विथ ENX टेक्नोलॉजी, कॉलिंग वॉलिंग का साउंड बहुत बढ़िया सुनाई देगा। टोटल प्ले टाइम भाई 50 आवर्स के दिए गए है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत टाइम से आप इसे सुन सकते हो। एंड यहाँ पर बीट्स मोड यानी गेम मोड भी दिए गए है, वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट दिया गया है यहाँ पर एंड यहाँ पर 13mm का ड्राइवर्स दिया है। IWP टेक्नोलॉजी है यानी सिंकिंग बहुत अच्छे से होगा एंड ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है एंड यहाँ पर IPV5X का स्वेट रेजिस्टेंस है, पानी वानी में गिरे तो ऑब्वियसली डैमेज हो सकता है। सो लेट्स ओपन अप दिस पैकेट जो कि पहले से ओपन किया हुआ है क्योंकि मेरा डिलीवरी बॉय ने इसे ओपन कर दिया था। ओके, पैकेट के अंदर कुछ आपको इस तरीके का मेन मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा। सो इसको रखते हैं साइड में और देख लेते पैकेट में और क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा। सो इसके साथ एक आपको चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलेगा एंड कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर दिया गया है एंड उसके साथ एक आपको बोट का स्टिकर एंड ये ईयर ट्यूब्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल वाला है, मीडियम वाला लगा हुआ है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक यूज़र गाइड देखने के लिए मिलता है, ये वाला है कुछ ब्रोशर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एंड ये है आपका FAQ कार्ड्स, कैसे क्या करना है इसमें मेंशन है एंड ये इसके साथ 1 ईयर का वारंटी आता है। कैसे क्लेम करना है जानने के लिए आप इस वाले QR को स्कैन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, आते हैं हमारे मेन मॉड्यूल के ऊपर। सो भाई ये है कुछ बॉक्स इस तरीके का, और क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगता है, बहुत प्लास्टिक सा बॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर LED इंडिकेशन दिया गया है। लेट्स चेक द बार्ड्स, तो भाई बार्ड्स कुछ इस तरीके का दिखता है एंड बार्ड्स में भी आपको LED इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ये है दूसरा पेयर देख सकते हो एंड भाई बर्ड्स बहुत ही हल्के हैं एंड ऐसे ये फिट हो जाता है, मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, गिरता विरता नहीं है तो घबराने का जरूरत है नहीं। एनीवे लेट्स कनेक्ट इट विद माय मोबाइल फोन, उसके बाद हम बताएंगे इसका साउंड कैसा आता है। सो भाई कनेक्ट करने के लिए सिंपल आपको जाना है आपके ब्लूटूथ में एंड उसके बाद नए डिवाइस के लिए इसको सर्च कर लेना है एंड देख सकते हो यहाँ पर एयरपॉड एटम 83 लिखा हुआ आ गया है, तो हम इस पे करेंगे क्लिक। पेयर के लिए ऑप्शन मांगेगा तो हम करेंगे पेयर एंड ये पेयर हो चुका है, बहुत इजी प्रोसेस है एंड बहुत ही जल्दी पेयर भी हो जाता है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस एंड आई एम गोना ओनली प्ले डिसेबल है बाबू। वन आवर लेटर, ओके, सो साउंड वाज अमेजिंग। लेट्स से इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया एक साउंड देखने के लिए मिलेगा, मैं काफी देर से सुना एंड जो बेस है बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत एकदम धीमे से आ रहा है, ऐसे भी नहीं है, बहुत ही एक मीडियम सा बेस आपको यहाँ पर सुनाई देगा एंड पूरा बैलेंस साउंड है, जैसा इंस्ट्रूमेंट का साउंड मिल रहा था वैसे ही यहाँ पर वोकल भी मिल रहा था। सो डेफिनेटली मेरे को साउंड काफी अच्छा लगा। ओके, सो बात करें कंट्रोल्स एंड फीचर्स की, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गाना बज रहा है एंड अगर मैं कान से निकाल भी लो तो गाना पॉज नहीं होता, गाना प्ले होता रहता है। सो इसमें इन ईयर डिटेक्शन कोई दिया गया नहीं है एंड अल्टीमेटली जब इसको आप बॉक्स में डालोगे तब जाके ये डिस्कनेक्ट होगा एंड ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है बड्स एंड इसके अंदर चार्ज भी हो जाता है ऑटोमेटिक। सबसे अच्छी बात इसमें एक चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट दिया गया, सो आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी हम आपको गेम मोड का भी टेस्ट करके दिखाएंगे बट बिफोर दैट मैं आपको बता देता हूं इसका कंट्रोल्स के बारे में। ओके, सो सिंगल टैप से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो एंड डुअल टैप ऑन राइट ईयर आप नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर सकते हो एंड डुअल टैप लेफ्ट ईयर आप प्रीवियस ट्रैक प्ले कर सकते हो। कॉल रिसीव करने के लिए कोई भी एक ईयरबड्स में आपको सिंगल टैप करना पड़ेगा, कॉल डिस्कनेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए आपको डुअल टैप करना पड़ेगा कोई भी ईयरबड्स में। कोई भी एक ईयरबड्स में आप लॉन्ग प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हो एंड लेफ्ट साइड के ईयरबड्स में आप ट्रिपल टैप करके बीस्ट मोड को ऑन कर सकते हो यानी गेम मोड को ऑन कर सकते हो। जब भी ये गेम मोड ऑन होगा तो बीस्ट मोड बोल के आपको साउंड फीडबैक आएगा। टच रिस्पॉन्सिव है बट बहुत लेट से काम करता है, टच थोड़ा सा और फास्ट होता तो अच्छा होता एंड डेडिकेटेड टच के लिए यहाँ पर आपको कैविटी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसका बेसिक फंक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो, बीस्ट मोड
ओके सो बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 320 mAh का बैटरी जो कि केस में इंस्टॉल किया गया है एंड दोनों बार्ड्स में आपको 35 mAh का बैटरी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी बड़ी बात है। ओके सो अभी हम आपको कॉलिंग का भी साउंड सुना देता हूँ। तो अभी जो साउंड आ रहा है मेरे डायरेक्ट ईयरबड से आ रहा है एंड आप देख सकते हो मैं एक रूम एनवायरमेंट है कुछ यहाँ पर नॉइज काफी कम है एंड आप देख सकते हो कॉल में आपको कैसा साउंड देखने के लिए मिलेगा। ओके सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। I will try to answer it. So, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।